एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजली में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हैं, उनका स्मरण कर छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा कर। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, तो एकाध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास कर, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे।